तो आज का टॉपिक है डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाए। डेसिमल देखिए वो 0 to 9 होता है, जो टोटल इसका बेस होता है 10 होता है। बाइनरी होता है 0 to 1, टोटल इसका 2 होता है। तो हम देखिए डेसिमल से बाइनरी चेंज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी डिजिट यहाँ पे लेते हैं 24, इसका बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका बेस कितना है 2। तो हम दो मेथड बताएंगे, तो इसको 2 से डिवाइड आपको कर देना है। तो 2 से 12 दूनी 24, तो कितना है 12, कितना बार में लगा, हाँ तो यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि 12 दूनी 24 कट गया। फिर 2 से, क्योंकि 2 ही से लगाएंगे, क्योंकि इसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बेस कितना है 2, इसलिए 2 ही से लगा डिवाइड करना है। 2 6 12, 6 बार में कितना रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से 2 3 6, कितना बचा रिमाइंडर 0। फिर 2 ही से लगाएंगे, 2 1 2, तो कितना बचा 1 बचा। तो ये आपको नीचे से ऊपर में जाएगा, कितना है 1 1 0 0 0। अब इसको 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 में अगर देख लीजिएगा, तो कितना आ गया, इधर 0 को 0 हो गया, 16 8 24, कितना का हम निकाल रहे थे 24 का, तो ये 24 का हो गया, 16 4 20 8 4 24, तो ये हो गया फर्स्ट में। 34 यहाँ 2 ही लगाएंगे, 17 दूनी 34, 17 2 34। फिर यहाँ पे 2 से कितना बचा, यहाँ पे 0, जो रिमाइंडर बचेगा लिखते जाएंगे, 2 से लगाए, 2 8 16, 2 9 18, ज़्यादा है तो 2 8 16, कितना बचा रिमाइंडर 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 8, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, कितना बचा 2 2 4, 2 कितना रिमाइंडर बचा 0। फिर यहाँ देखो 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा 1 बार में, कितना यहाँ बचा 0। तो इसका देखिए नीचे से ऊपर में जाएगा हमेशा, तो 34 कितना हो जाएगा 1 0 0 000, फिर 1 0। अब इसको चेक, 2 है, 2 32 और 2 34, जहाँ जहाँ एक है उसी को जोड़ना है, 32 और 2 34, तो आपको 34 यहाँ पे निकल गया। एक और एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं 124 या 120 ले लेते हैं, तो हम 2 ही से क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2, तो 60 दूनी 120, कितना बचा 0। फिर 2 से लगाए, 30 दूनी 60, 32 जा 60, कितना बचा हाथ में 0। फिर 2 से लगाए, 15 2 जा 30, 15 दूनी 30, कितना बचा 0। फिर 2 से लगाए, 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर 1, जितना बचेगा रिमाइंडर 1 लिखेंगे। फिर 2 3 6, कितना बचा रिमाइंडर 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, कितना बचा 1, तो नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे 120 का यहाँ पे देख लीजिए, 1 1 1 1, 4 1 3 0, 1 2 3, 64 32 96 24, 6 4 10 9 2 11 1 12, तो 120 का ये आ गया। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब एक और मेथड बताते हैं, अब ये सेकेंड मेथड यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट मेथड आपको बहुत इजी लगा, सेकेंड मेथड भी बहुत इजी है। अब ये सेकेंड मेथड में हम निकालना चाह रहे हैं 184, तो 184 का कैसे निकालेंगे, 64 दूनी 128 तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमको जोड़ना है, क्योंकि 64 के नीचे 128, तो 128 हम भी ट्राई करेंगे, तो 128 दूनी 256, तो यहाँ लग जाएगा, तो 128 हम जोड़ दिए प्लस में, तो यहाँ पे देखिए 128 और 32, अगर 32 और 16 48 अगर जोड़ देंगे तो 176, 176 हो गया। हमें कितना बचा, अब बचा 8 बचा, तो 8 यहाँ पे 1 ले लेंगे, बाकी जहाँ बचा वहाँ 0 बैठा देना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 1 जहाँ जहाँ पे जोड़ दीजिए, 128 ले लीजिए यहाँ पे, 128 32 16 8 24, जहाँ जहाँ 1 है उसी को जोड़ना है, यहाँ पे आपका 184 आ जाएगा। ये भी मेथड, ये भी आसान मेथड है, वो भी आसान मेथड है, ये दो मेथड है। अगर आप ये इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, 200 300 आप जितना भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं भी और मोटिवेट हूँ, मैं और वीडियो बनाऊँगा। सीक्वल बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।